मुख्यमंत्री अमृत कैप्टन साहब सबको बुला के मीटिंग ले रहे हैं, फांसी तक की सजा कर दी गई है नशे के अपराध के लिए, क्यों? ये चीज एक ऐसी है जो पूरे समाज को खोखला कर रही है, युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है। और वो नशा जो पंजाब से बंद हो रहा है वो हरियाणा में दिल्ली के बॉर्डर तक आ गया। क्या ये कोई ट्रेंड नहीं है कि जहां भाजपा है वही नशा चल रहा है? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, जनता से पूछता हूं, क्या ये ट्रेंड नहीं है? मेरे काबिल दोस्त ने कहा इन चीजों पे हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सबको साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिसके पास सरकार है, जिसके पास सत्ता है, वो इन चीजों से भाग नहीं सकते। आप बताइए, आज इस युवा पीढ़ी को जो 12वीं क्लास में पढ़ रही है, कॉलेजों में पढ़ रही है, इन रेव पार्टियों के माध्यम से नशे की आदत डाली जाती है। नहीं तो ये नशा, नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ये नशा बीजेपी करा रही है, उसी से ये नशा बीजेपी करा रही है, अब बीजेपी के संरक्षण में हो रहा है, मैं आपसे ये कह रहा हूं। जी हाँ बिल्कुल, आप बताइए, जिस सरकार की सत्ता है उसकी नाकों के नीचे ये काम हो रहा है, तो वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर ने कहा था 4 हफ्ते में नशा बंद करा देंगे, वहां तो बंद नहीं हुआ आज तक। नहीं, पंजाब में कैप्टन साहब जो काम कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से जो नशे की जड़ें पंजाब को घेरे हुई थी उसको काटने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, 3 दिन पहले 4 दिन पहले उन्होंने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक खुद अपने स्टेट में बुलाई है। नहीं, वो तो हरियाना के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में थी सर, जो है। और आप देखिए, आप ये बताइए कि आखिर दिल्ली के बॉर्डर तक, हरियाणा तक वहां नशा कैसे पहुंचा? और सरकार, आप कह रहे संज्ञान लेती है, संज्ञान कब लेती है? जब इस तरीके के की घटनाएं हो जाती हैं, इस तरीके के नशे में कोई छात्र गिर पड़े, किसी महिला किसी बच्ची के साथ कोई दुर्घटना घट जाए, सरकार उसके बाद संज्ञान लेती है? ये तो एक रैप पार्टी है। आप जाके देखिए गुड़गांव में और उसके आसपास के शहरों में कितनी रैप पार्टियां चल रही हैं। ठीक है, तो एक प्रवीण अत्री जी, प्रवीण अत्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जब पानी सिर के ऊपर हो जाता है। देखिए साकेत, मैं 2-3 बातें कह रहा था। पहली तो भारतीय भाजपा प्रवक्ता ने कहा सबूत, इन्होंने मेरी बात शायद ध्यान से नहीं सुनी। मैंने बड़ा क्लियर कहा कि अभय सिंह जी ने उस दिन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को फोन किया, डिटेल बताई, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कॉल किया, डिटेल बताई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब दूसरी बात, नशे की समस्या जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में बढ़ती जा रही है, इंडियन नेशनल लोकदल आने वाले विधानसभा सत्र में बाकायदा इसी के ऊपर काम रोको प्रस्ताव लेके आएगा। हम चाहेंगे कि सरकार की जवाबदेही निश्चित हो। हम चाहेंगे कि सरकार ये बताए कि क्या कारण है कि पिछले 4 साल में नशा इस कदर बढ़ गया प्रदेश के अंदर। ये जो चिट्टे का नशा है, हीरोइन का नशा है, ये अचानक हरियाणा प्रदेश में बाढ़ कैसे आ गई इसकी? ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी बात साकेत, देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि हम ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में नशा बिल्कुल ही नहीं था, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चिट्टा हीरोइन ये इस तरह के नशे का नहीं सुना था यहां पे। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी 7 स्टेट के सीएम को बुलाते हैं मीटिंग के लिए, पहली चीज तो ये है कि सरकार एक दिन पहले एक प्रेस नोट जारी करके बताती है कि 7 स्टेट के सीएम को बुलाया गया, लेकिन दुखद ये है कि मात्र 3 ही पहुंचे, 4 पहुंचे ही नहीं। मतलब किस तरह की सीरियसनेस है वो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात कि आप केवल मीडिया की खबर बनाना चाहते हो या वाकई आप चिंतित हो इसको रोकने के लिए? अगर आप इसको रोकने के लिए चिंतित होते तो जो नशा तस्कर पकड़ा गया आप उसकी बाकायदा जांच करवा के ये पता करते कि नशा कहां से आया है और ये नशा कहां जा रहा है। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या आप, उसका मतलब क्या है कि सरकार की कार्यशैली जो है वो सही नहीं है? देखिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच के नहीं भाग सकती। सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपने प्रदेश की सीमाओं को इस तरह से सुरक्षित करे कि नशा घुस ना सके। अब आप ये देखिए, जैसे पाकिस्तान से नशा आता है पंजाब में, जैसा कि रिपोर्ट्स में कहा जाता है, और वो पंजाब से नशा आ जाता है हरियाणा के अंदर, रिपोर्ट्स ये बताती हैं। मतलब पंजाब की सरकार भी सो रही है जहां पे नशा इस तरह से आ रहा है, और हरियाणा की सरकार तो वैसे ही सो रही है क्योंकि चिंता ही नहीं है। और जो मैंने बात कही कि सरकार में बैठे लोगों के संरक्षण में, ये पता लगता है मीडिया की रिपोर्ट से। जब ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसको मुख्यमंत्री का नजदीकी बताया जाता है, जब ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जो भाजपा के अंदर एक पदाधिकारी है, तो इसका मतलब क्या मान के चले हम? ठीक है, जरा जवाब लेते हैं कि भाजपा या सरकार में जो लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं उनका संरक्षण है। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे आरोप लग गए भगवत दयाल शर्मा जी, बताइए। जी साकेत जी, मैं ये कहना चाहूंगा, इनेलो ने भी,
और कांग्रेस ने भी बड़ी बड़ी मतलब सफाई पेश की है अपनी, ऐसा और ऐसा इस तरह का यहाँ आज स्टूडियो में माहौल बना दिया कि जैसे ना कांग्रेस पार्टी के 10 साल जो लगातार रही, वैसे तो देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, ज्यादातर समय राज कांग्रेस पार्टी का रहा है। अभी हरियाणा में 10 साल लगातार कांग्रेस पार्टी का राज रहा, उससे पहले INLD 6 साल रही, तो इन्होंने आज ऐसा अपने आप उस 6 साल में आप भी साथ थे प्रस्तुति कर दी कि जैसे ना तो INLD के टाइम में कोई नशा था हरियाणा में और ना ही हुड्डा के टाइम में तो बिल्कुल था ही नहीं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन बातों को हमें राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ कि नशा न केवल हरियाणा में अपितु पूरे देश में बढ़ रहा है, लेकिन इससे सिर्फ ये कहना कि ये सरकार नहीं कर रही या हम नहीं कर रही, ये बातें नहीं है। तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर देश में भी बढ़ रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है साहब, ये तो बता दीजिए। जिम्मेदारी है, हम उसको निभाइए, नहीं भाग रहे उसको निभाइए, लेकिन हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। और ये आप देखना बहुत से चीजें आएंगी। इन्होंने कांग्रेस वालों ने कहा एक छोटा सा सवाल पूछता हूं यार, सुनो इसके बाद बीच में कितने पुलिस अफसरों को आपने सस्पेंड किया, आप कितने और जगह पे छापे हुए, कितनी और ड्रग्स पकड़ी गई, कितनी वाइन, कहीं ना कहीं सप्लायर्स हैं, शराब के कारोबार है, यौन रिकॉर्ड है ज्यादातर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के, ये सबको सारी दुनिया को। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे भगवत दयाल शर्मा जी, नेता बड़े बड़े शराब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, वो ये कहते हैं कि भगवत जी एक सवाल का जवाब था ही नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिए कि हमारा भगवत दयाल शर्मा जी एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं एक चीज भगवत दयाल शर्मा जी एक सवाल का जवाब दीजिए। आप पिछले 4 सालों से आप प्रदेश में भी हैं, केंद्र में भी हैं, आपके पास आपकी पुलिस है, आपके पास आपके इंटेलिजेंस है, इसके बावजूद अगर आप ये कहते हैं कि राजनीति से ऊपर उठना होगा, सबको साथ आना होगा, इसका मतलब आप ये कहते हैं कि आपके सिस्टम को लकवा मार गया है और आपको बैसाखी की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, और इसी वजह से आप अपने विपक्षी पार्टियों का सहयोग मांग रहे हैं। देखिए साकेत जी, ये समाज से जुड़ा मुद्दा है, ये युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, इसमें फिर तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं रहा ना सर, फिर तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। आप समाज की दुहाई दे दीजिए, आप फिर संस्कारों की दुहाई दे दीजिएगा, अब अपनी सभ्यता की दुहाई दे दीजिए, और फिर कहिए कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो समाज का काम है। भ्रष्टाचार आप समाज का मुद्दा मानते हैं, पुलिस का भ्रष्टाचार या ड्रग की समस्या आम आदमी नहीं सॉल्व कर सकता। नहीं, एक चीज और है साकेत, मैं जानना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता से, पंडित जी मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं ये कहता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल हम मानते हैं सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, बिल्कुल हम मानते हैं पुलिस की जिम्मेदारी है। मैं ये कह रहा हूं कि हम सब सारी पार्टियां, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है नशा, इसको इसके लिए हम सब मिलकर क्यों ना लड़े बताइए। अगर 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 ये लोग साथ नहीं आते मतलब इस समस्या का समाधान आप नहीं कर पाएंगे, अगर इन लोग नहीं आए साथ, कांग्रेस नहीं आई साथ, मतलब आप नहीं कर पाएंगे समस्या का समाधान। देखिए हमारा हमारी जो ड्यूटी है, जो सरकार की, सरकार कार्यपालिका होती है, सरकार अपना काम कर रही है, और मैं ये कहता हूं कि हमारे जो बोलते हैं मुख्यमंत्री के नजदीकी, ऐसी कोई बात ही नहीं कोई मुख्यमंत्री को नजदीकी गलत काम करता हूं। मुख्यमंत्री जी इतने ईमानदार आदमी, इतने सच्चे सुच्चे आदमी सर, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की ईमानदारी पर तो सवाल ही नहीं उठाया, मुख्यमंत्री की ईमानदारी पर तो सवाल ही नहीं उठाया उन्होंने। समस्या यही समस्या है, बताइए जी, समस्या यही है, मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, कोई नहीं पहनता जो कान काटे। साकेत की बात मैं जानना चाहूंगा, भाजपा के प्रवक्ता से एक बात जानना चाहूंगा, बड़े भोले से सरकार मेरे नजर आते हैं, जब प्रदेश के अंदर बलात्कार और गैंग रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और जब उस पे हम चर्चा करते हैं तब भी भाजपा के प्रवक्ता एक ही बात बोलते हैं कि साहब ये सामाजिक समस्या है। अगर नशा लगातार बढ़ रहा है, हम उस पे चर्चा कर रहे हैं, तब भी ये बात बोली जाती है कि साहब ये सामाजिक समस्या है। मेरा सवाल ये है कि साहब फिर आप सरकार में क्यों हैं, आप किस लिए सरकार में बैठे हैं? कानून व्यवस्था स्टेट मैटर, सरकार की जिम्मेदारी है के प्रदेश के लोगों को बेहतर कानून व्यवस्था मुहैया कराए, चाहे नशे की बात हो चाहे अपराध की बात हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको रोकना, और अगर सरकार वहां फेल होती है तो मुझे लगता है कि सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। और इस समय कानून व्यवस्था चाहे सरकार स्टेट की हो या सेंटर की, दोनों कानून व्यवस्था बीजेपी के हाथ में है। आपका जो सुमन जी साकेत जी जो सवाल था कि क्या बीजेपी इसको बढ़ावा दे रही है, तो आप ही बताइए, अगर सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमारे हरियाणा में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये नशा अगर चाहे पाकिस्तान से आ रहा हो या कहीं और से, हिंदुस्तान की सरहद में आ रहा हो या हरियाणा के अंदर, ठीक है, ये बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है ये बताइए। कपिल अग्रवाल जी एक सवाल का जवाब दीजिए, कपिल अग्रवाल जी एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूँ। आपने अभी कह दिया कि केंद्र में भी भाजपा है, प्रदेश में भी भाजपा है, तो फिर क्या कर रही है भाजपा? सर कहां 4 साल थोड़ा सा पीछे चले जाइए, 4 पन्ने पलटिए, आप थे प्रदेश में भी, आप थे केंद्र में भी, आप थे,
फिर क्या स्थिति थी सर? मतलब आपका आप ये कह रहे हैं कि मेरा दामन तो अब साफ हो गया क्योंकि मैं विपक्ष में आ गया, अब तुम्हारा कॉलर गंदा है जी। आप बताइए 4 साल पहले क्या इस तरीके की रैव पार्टीज हरियाणा में नहीं हुआ करती थी। अभी जैसे मेरे भाई अत्री जी ने कहा कि नशा पहले भी था, हम उससे मना नहीं कर सकते, हम उसको इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, जैसा नशा पहले पंजाब में था जो बीजेपी और अकालियों के शासनकाल में, उस तरीके का नशा अगर हरियाणा में आ रहा है तो क्या ये एक ट्रेंड? वो तो अपने कार्यकाल में अकाली बीजेपी अपने कार्यकाल में ये बोलते बोलते थक गई कि बीएस बॉर्डर पार से हो रहा है। बॉर्डर पार से तो वो पंजाब सरकार थोड़ी ना रोकेगी सर, वो तो गृह मंत्रालय रोकेगा ना, और गृह मंत्रालय आपके पास था। मैं मान लेता हूं कि अगर गृह मंत्रालय ने रोका, लेकिन क्या आप बताइए उस समय भी हमारे हरियाणा में क्या इस तरीके की नशे की समस्या थी? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, क्या इस तरीके की नशे की समस्या थी? आज आप जहां देखें वहां नशे की हालत हो रखी है। और आज इसी सरकार की अगर आप बात करते हैं तो पंजाब में आप देख लीजिए, इस उड़ते पंजाब को अगर नशे से रोका है तो हमारे कैप्टन साहब ने रोका है, नहीं रोका है सरकार है, बिल्कुल नहीं रोका है। सरकार की जनता टीवी, जनता टीवी, कपिल अग्रवाल साहब, जनता टीवी बढ़ने से और पंजाब, हरियाणा और पंजाब साहब, इनकार नहीं करूंगा साहब। कपिल अग्रवाल एक दिन में कोई भी सरकार अग्रवाल जी सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए कपिल अग्रवाल साहब, सरकार के इरादे क्या हैं? कपिल अग्रवाल साहब आपको बता दूं कि जनता टीवी हरियाणा के साथ साथ पंजाब को भी कवर करता है और हम लगातार पंजाब की खबरें दिखा रहे हैं, और शाम को 7 बजे मैंने ही नशे पर डिबेट किया है सर, पंजाब की स्थिति को लेकर, और वहां किस तरीके से नशे का ग्राफ बढ़ रहा है वो मैंने आज खुद शाम को 7 बजे इस पर चर्चा की है साहब। तो आप ये मत पीठ मत थपथपाइए कैप्टन साहब की कि उन्होंने नशे पर अंकुश लगा दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है वहां भी। मैं साकेत साहब, मैं मेरे हिसाब से आपको ज्यादा नॉलेज है, बिल्कुल है सर, पंजाब के बारे में बिल्कुल है सर, पंजाब के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या पंजाब में सरकार नशे से पंजाब को मुक्त करने के लिए दिलो जान से काम कर रही है या नहीं? आप मेरे को इस बात का जवाब, काम बेशक कर रही हो सर, लेकिन उसका कोई ग्राउंड ग्राउंड जीरो पर उसका कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है ग्राउंड जीरो पर, नशे में लगातार इजाफा हो रहा है, ये सच्चाई है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। खैर भगवदयाल शर्मा जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जब भी नशे को लेकर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमारी बात होती है, कुछ ऐसे अधिकारियों से बात होती है जो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि जब आप युवाओं को कोई काम नहीं देंगे तब उनके पास धीरे धीरे दबाव बढ़ता है, वो सामाजिक दबाव है ये, और उस दबाव की वजह से ही नशा जो है वो युवाओं के पहुंच तक पहुंच रहा है या फिर युवाओं के पास पहुंच रहा है। तो सर आप रोजगार देने में नाकामयाब हो गए, अगर आप रोजगार दे देते तो युवा कहीं लगा होता, युवा लगा होता तो उसे नशे की जरूरत नहीं पड़ती, इतना टाइम ही नहीं होता उसके पास, तो आप तो कई मोर्चों पर फेल हो गए ना साहब। साकेत जी, ये कहना कि युवाओं को कोई रोजगार नहीं है, हमारी सरकार ने 4 साल में लगभग 35,000 नौकरियां दी है, और जहां तक युवाओं को काम की बात है, हमारी सरकार ने मेरिट के बेस पर नौकरियां दी। अगर सर, अगर मैं आपके फैक्ट्स को मान भी लूं, अगर आपके फैक्ट्स को मैं मान भी लूं, अगर आपके फैक्ट्स को मान भी लूं सर, अगर आपके फैक्ट्स को मान भी लूं भगवत दयाल जी, अगर आपके फैक्ट्स को मैं मान भी लूं तो 4 साल में 35-36 हजार नौकरियां क्या मायने रखती हैं? आप तो हर साल लाखों की बात करते थे, हर साल आप लाखों नौकरियों की बात करते थे, आप यहाँ 4 साल में 36 हजार नौकरी दे पाए हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे, आप लाखों लाखों की नौकरियों की बात करते थे। हमारा आंकड़ा देख लीजिए, जितने भी अभी पीछे एडीए लगे थे, सरकारी वकील लगे थे, सारे के सारे मेरिट पे लगे, सारा लोगों ने माना इस चीज को, अभी पीछे मतलब मेरिट में नौकरी देने में 4 साल लग गए आपको, जब चौटाला साहब की सरकार थी मेरिट में नौकरी देने में 4 साल लग गए आप, HCS तो कांग्रेस इन्हें उड्डा साहब ने उसको 10 साल लटका के रखा, प्रवीण अत्रे साहब आई, हमने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ठीक है जरा प्रवीण अत्रे साहब को जोड़ते हैं, प्रवीण अत्रे साहब सूत्रे हैं उनको ज्वाइन कराएंगे, और हमने उस टाइम के उनको ज्वाइन करवाया जी साकेत, बताइए आपका सवाल पूछिए, और अभी पीछे एचसीएस लगे थे, सारे के सारे मेरिट पे लगे, देखिए युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, और हमारी कैसे बोल हो गई है बीजेपी की, मेरिट एक ही है कि आपके पास आरएसएस, आपके पास आरएसएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत बेहतर कोई चीज है,
पहली चीज जो आप अरे भाई अब आपने क्यों सब्जी मंडी बना दी, नौकरियां दे दो, एक अरे रुको नौकरियां दे दो, इन्होंने जन सेवक लगाए हैं, प्रशासन सेवक लगाए हैं, सब आरएसएस के बंदे लगाए हैं। सच्चा दो तीन चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। जो आपने एक बात कही कि बेरोजगारी, निश्चित रूप से अगर हम देखते हैं साइकोलॉजिकल इस चीज का इफेक्ट रहता है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ने में एक कारक है अगर बेरोजगारी बढ़ती है। हैरानी यहां पे क्या होती है, जब वायदा किया जाता है कि 2 लाख युवाओं को रोजगार हर साल देंगे, मतलब 4 साल में 8 लाख, लेकिन यहां पे विधानसभा में जब बताया जाता है तो बताया जाता है 28,000। अब यहां पे हैरानी दूसरी कि आपने ये कहा कि साहब हम ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर देंगे, आउटसोर्सिंग खत्म कर देंगे, लेकिन जब आप रोजगार की बात करते हो तो वही ठेकेदारी प्रथा, वही ठेके पे, वही आउटसोर्स से, ये दूसरी बात। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है, एक बात बार बार कही जाती है साहब हमने इंटरव्यू खत्म कर दिया, जबकि पूरा प्रदेश और देश जानता है कि जब मोदी जी ने यह बात कही थी कि इंटरव्यू खत्म करेंगे, हरियाणा प्रदेश में इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर दलाली कांड का भंडाफोड़ हुआ उसकी वजह ही इंटरव्यू थी, लेकिन जिन लोगों के लिए वो दलाली कर रहे थे उन लोगों को आज तक नहीं पता कि वो लोग कौन थे जिनके लिए दलाली हो रही थी। और एक और चीज, बोले साहब हमने पर्ची सिस्टम खत्म कर दिया, खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब की पर्ची व्हाट्सएप पे वायरल होती रही जो उन्होंने जीएम को भेजी थी कि इस लड़के को नौकरी पे रख लो। तो इस तरह के झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं आपको अपनी जिम्मेदारी को मानना पड़ेगा, और आपको यह मानना पड़ेगा कि जो आपका वायदा युवाओं के साथ था, चाहे नौकरी देने का, चाहे बेरोजगारी भत्ता 6,000 और 9,000 देने का, आपने वायदा खिलाफी की, जिसकी वजह से युवाओं को एक साइकोलॉजिकल प्रेशर झेलना पड़ता है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो आपने कानून व्यवस्था जिसके इस वक्त प्रदेश के अंदर लचर हालात है, आप भी जानते हैं साकेत, अराजकता का माहौल है, चाहे हम किसी भी मामले में ले लें, चाहे बलात्कार के मामले में ले लें, चाहे हत्या और डकैती के मामले में ले लें, चाहे आप देख रहे हैं नशे के मामले के अंदर, सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, क्योंकि जब कुतर्क होता है, जब भाजपा के नेता और प्रवक्ता इस मामले में आके तर्क की जगह कुतर्क करना शुरू करते हैं, तब तकलीफ होती है। मामले बढ़ रहे हैं ये आंकड़े बताते हैं, और वो मामले इसी टेन्योर में बढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा संजीदगी से सोचना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। आप प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। रोजगार जो क्रिएट किए गए हैं वो बीजेपी और आरएसएस के लोगों के लिए क्रिएट किए गए हैं। आप देखिए, इन्होंने जन सहायक या प्रशासन सहायक लगाए हुए हैं, वो प्रशासन सहायक कौन है? ठीक है, ठीक है, जरा वापस चर्चा पे लौटेंगे, वापस चर्चा पे लौटे। भगवत दयाल शर्मा जी से एक सवाल कर लेते हैं। भगवत दयाल शर्मा जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि आपके मैनिफेस्टो में ये नशा कहीं था ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं कि ये अनएक्सपेक्टेड समस्या आ गई जिसके लिए सरकार तैयार नहीं थी? हालांकि जो मैनिफेस्टो है उस पर भी कुछ खास आप कर नहीं पाए, तो जो मैनिफेस्टो में नहीं था उसके लिए कैसे तैयार हो पाते? तो ये एक बिन बुलाया मेहमान आ गया है जिसके लिए अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए? 4,000-4 लाख से ज्यादा हरियाणा में ऐसे लोग हैं जो नशा से पीड़ित हैं या फिर उनको लत है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि मैनिफेस्टो में नहीं था, ये तो एक शुरू से चली आ रही एक समस्या है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही नशा शुरू हुआ है और 3-4 साल पहले नशा था ही नहीं। आपने भी प्रश्न किया प्रवक्ता कांग्रेस से कि 4 साल पहले इनकी सरकार थी, मतलब ये कहना कि सिर्फ 4 साल में सब कुछ हुआ है, ये तो जब से देश आजाद हुआ और आजाद से पहले भी नशा तो मतलब एक ये कहें कि बहुत सालों से, लेकिन हमारी सरकार कोई नशेबाजों की सरकार नहीं है। मैंने कहा कि हरियाणा में शराब की फैक्ट्रियां देख ली आप, किस किन की है, शराब के कारोबारी कौन लोग हैं हमारी पार्टी? अगर वो गलत है तो बंद करवा दो भाई, आपकी सरकार है उनको बंद करवा दो, गलत है तो सर। अगर वो गैर कानूनी है तो बिहार की तरह शराब मुक्त प्रदेश कर देते, सरकार आपकी है, फैसला ले लेते कि भाई हरियाणा में शराब नहीं बिकेगा, फैसला ले लेना चाहिए था सर। ढोल पीटा जा रहा है कि हमने बिहार की तरह फैसला ले लेते, बिहार की तरह फैसला ले लेते कि नशा मुक्त प्रदेश कर देंगे इसको, शराब मुक्त कर देंगे इसको। खिलाफ है हमारी सरकार, नशे को लड़ने के लिए कटिबद्ध है, और हमारा कोई भी नेता कोई भी ऐसा कोई, चलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो लफ्फासी अच्छे से जानते हैं, शब्दों से खेलना अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आप बार बार देखो, शराब की फैक्ट्री अगर गैर कानूनी है जैसा कि आप कह रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता है, तो आप उनको बंद करवा दो। चलिए, शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। लेकिन बात जस की तस वहीं पर है, अभी भी घूम फिर कर हम वहीं पर हैं कि आखिर सरकार को इन आंकड़ों का एहसास है भी कि ये लगातार ग्राफ कैसे और क्यों बढ़ता चला जा रहा है, और सरकार इस पर संजीदा कब होगी? अगर है तो और होने की शायद जरूरत है। पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।